करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए इस स्थान का नाम चटीकला है। क्या नाम है? चटीकला। इसका दो कारण से ये चटीकला बताया जाती है। एक तो कहते हैं यहाँ पर उन्होंने मैया जसोदा नहीं यहाँ पर षष्ठी पूजन किया है। दूसरा कारण बताए जब श्री गोकुल से जब श्री नंद बाबा और मैया जसोदा यहाँ पर आए और यहाँ पर बोले सकटम अर्ध चंद्रवत, यहाँ पर जो बैलगाड़ी में सब कुछ लेकर के एक से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए जब यहीं पर आए बोले जो सकट मतलब होता है जो बैलगाड़ी को अर्ध चंद्रवत अर्ध चंद्र जैसे करके है, जो जिधर से हवा आती है समझो उसी तरफ से उन्होंने अर्ध चंद्र करके यहीं पर रुके थे, इसलिए सकट को अर्ध चंद्र किया था, इसलिए कहते हैं छठी करा। दो कारण से बोले यहाँ पर क्यों आए, बोले जब नंद बाबा गोकुल में रहते थे इसका नाम ब्रज। क्या नाम है? ब्रज। ब्रज मतलब क्या होता है? बोले ब्रज एक संस्कृत शब्द है, बोले ब्रज गतो बा ब्रज चलती। ये जो ब्रजवासी थे वो एक स्थान पर नहीं रहे हैं, जहाँ पर रहते थे उनका मूल धन था काभी, जब वहाँ की घास खत्म हो जाती थी फिर उन्होंने वहाँ छोड़ करके और एक जगह, जब वहाँ से घास खत्म हो जाती थी वहाँ छोड़ करके और एक जगह, एक स्थान पर कहीं निर्दिष्ट रूप में वो नहीं रहते थे, इसलिए इसका नाम कहते ब्रज। ब्रज मतलब चलती वा ब्रज गतो वा चलती वा जो गति करती है, इसलिए जब वो रहते थे गोकुल में, गोकुल में उन्होंने पहले तो पुतना आ गई नटखट की, उसके बाद में सकटासुर आ गया, उसके बाद में तृणावर्ता आ गया, लेकिन उसको बाद में जब उन्होंने नल कुबेर मुनि ग्रीब को उन्होंने उधार किया, जो जमलार्जुन वृक्ष रूप में जो वृक्ष जन्म प्राप्त किए थे, कृष्ण मक्खन चोरी करने पर मटकी फोड़ने पर मैया ने उनको जो उखल में बांध दी थी, जब कृष्ण गुठन पर चलते चलते दोनों वृक्ष को बीच में गए और उखल अटक गया, कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाए ना दोनों तरफ में दोनों वृक्ष धड़ांग करके गिरी, इतने जोर से गिरी सारे ब्रजवासी वहां पर इकट्ठे हो गए, बल ये हटा दी वज्र कहां से गिरी है, आ करके देखते हैं कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में फंसे पड़े हुए। इतने में मैया जसोदा ने शासन की उखल में बांध दी थी, कृष्ण तो चुप थे, लेकिन जब नंद बाबा जल्दी जल्दी आकर के उन्होंने रस्सी को खोल दी और पकड़ से एक लड्डू निकाल कर दे दी ना, देखना बच्चे का स्वभाव जैसे मैया ने खूब डांट लगाए खूब शासन करे, अगर पिताजी थोड़ी सी प्यार करने लग जाए ना बच्चे क्या करते हैं रोना शुरू कर देते हैं, इतने में कृष्ण तो रोना शुरू कर दिए, इतने में नंद बाबा कहते हैं लाला तेरे को बांधा किसने, बोले मैया, बोले खोला किसने, बोले बाबा। नंद बाबा बोले खो मैया 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 करते रहते हो, अभी बताओ किसको पास में रहोगे, बोले अभी मैं मैया को पास में नहीं जाऊंगा, अभी तो बाबा को पास में रहा करूंगा।
हैं। इतने में आगे एक और नंद बाबा आ गए, मैया जसोदा आ गई। नंद बाबा ने इतने डांट लगाए, बोले भैया एक दो मटकी तो भरा होगा और तो कोई बात नहीं, और इतना बड़ा दंड उखल में बांध दिया। नारायण कृपा तू कैसे दोनों वृक्ष दोनों तरफ में गिर गए। अगर थोड़ी सी इधर उधर होता तो लाला का राम नाम सत्य हो जाता। लगता है तेरे को मक्खन मिश्री और मटकी में बड़ा आसक्ति है। तू ये मक्खन मिश्री मटकी के रेख रहा कर, मैं तो दोनों लाला को लेकर को मैं विदेश जा रहा हूँ, तू यही पर रहा करो। नंद बाबा बड़ी जोर से डांट लगाई, मैया तो डर गई। सचमुच से अगर कृष्ण बलराम को लेकर चले गए तो फिर क्या होगा, डर गए। इतने में नंद बाबा ने धारस न दूध में मिश्री मिला करके कृष्ण बलराम को दोनों को खिला दिए। ब्रह्मांड घाट में गए, स्नान किया और शाम को कृष्ण बलराम को लेकर घर में आए। अभी घर में लड़ाई हो गई, मैया जसोदा नंद बाबा में हाँ ठनवनी हो गई है। अगर एक कोने में मैया जसोदा बैठ करके फूट फूट कर रो रही है और एक कोने में नंद बाबा बैठ कर बड़े दुखी है, हैं? और कृष्ण बलराम दोनों गोद में। अभी तीसरा व्यक्ति कौन है, इनका झगड़ा को भी माँ से करेगा। कहते सब तीसरा व्यक्ति हो, बोले कौन, बोले मैया रोहिणी, मैया रोहिणी। अभी मैया रोहिणी सोच रही है अगर किसी तरह से कृष्ण को नंद बाबा का गोद से लेकर अगर श्री मैया जसोदा की गोद में छोड़ देना, झगड़ा खत्म हो जाएगा। इतने में मैया रोहिणी ताऊ भैया को बोले ताऊ एक काम करो, कन्हैया को पिताजी की गोद से उठा करके माँ की गोद में छोड़ दे। इतने में बलदेव प्रभु जब गए, कृष्ण का हाथ को पकड़े, बोले कन्हैया चल माँ के पास में चलो। कृष्ण इतना क्रोध में थे ना, उनने हाथ को इतनी जोर से झटका मारे, वहीं पर तो ताऊ भैया लुढ़क गए, गिर पड़े। इतने में मैया रोहिणी आकर बोले लाला कन्हा तू मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैया मेरे को मारती रहती है, मैं मैया के पास में नहीं जाऊंगा। बोले रहोगे कहाँ पर, बोले बाबा को साथ में। बोले बाबा को साथ में रहोगे तो दूध थोड़ी बाबा के पास में मिलेगा, दूध तो मैया के पास में मिलेगा ना, बता दूध कहाँ से पियोगे। बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिलाकर खिला देंगे। बोले सोओगे कहाँ पर, क्योंकि जब तक कृष्ण माँ की गोद में नहीं सोते ना, कृष्ण को नींद नहीं आती। देखना किस बच्चों को बड़ा आदत है, जब तक मैया गोद में नहीं सोई उनको नींद नहीं आई। बोले सोओगे किसको गोद में, बोले बाबा को गोद में। बोले खेलोगे किसको साथ में, बताओ भैया को साथ में। बोले मैया के पास में, बोले मैया के पास में नहीं जाऊंगा। रोहिणी बोली अगर मैया के पास में नहीं जाओगे, मैया अगर ऐसे हो गई तो, समझ रहे हो ना, अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगा। जब कन्हैया ने सुना मैया को गोद में नहीं जाऊंगा तो मैया मर जाएगी, फिर तो कान्हा को रहा नहीं गया, पिताजी की गोद से खड़े होकर के मैया 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 करते करते सीधा जाकर के मैया की गोद में लेट गई, हैं? इतने में वहां पर जितने ब्रजवासी थे ना, सबके सब ये लीला देख करके फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। नंद बाबा ने देखा और यहाँ पर नहीं चलेगा रहेगा। पहले तो त्रिणावर्त सकटासुर फुतना आ गई, अभी ये पेड़ अपने आप गिर करके लाला के ऊपर गिरने लग गई, टूट करके। लगता ही जो ब्रज है हमारी एकदम प्रतिकूल हो गया और रहने का योग्य नहीं रहा। उन्हें सबको मीटिंग बुलाए, बोले बताओ क्या करनी चाहिए। सबसे जो वृद्ध गोप उपानंद था, बोले देखो ये पास में एक वृंदावन है, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, जहाँ पर कलकलनाद से यमुना बह रही है, जहाँ पर पास में श्री गिरिराज गोवर्धन, जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बड़े सुंदर मैदान, गैया को खाने के लिए घास, बड़ा सुंदर अपूर्व स्थान ये पास में, चलो हम लोग वहीं चलते हैं। बोले कल क्यों, आज ही चलते, ठिंडरा पिटवा दो। सब ठिंडरा पिटवा दिया, चलो हम सबके सबसे वृंदावन चलते हैं। और जितने बड़े बूढ़े थे उनको बैठा दिया बैलगाड़ी पर, और एक गाड़ी में बैठा दिया नंद श्री जसोदा और रोहिणी को, और कृष्ण बलराम को बैठा दिया, और जितने सब के सब बलिष्ठ सब गोप लोग थे धनुष लेकर के गैया बछड़ा को लेकर के आ रहे श्री वृंदावन धाम। जब सफेद गैया चलती थी ना, लगता था सिर्फ गंगा बह रही है, और जब काली गैया चलती थी लगता माना यमुना नदी स्वयं प्रवाहित हो रही। अभी कृष्ण बलराम दोनों छोटे, बोले कितना उम्र, बोले 3 साल 4 महीना के, तभी उन्होंने गोकुल छोड़ी। जब आ रहे थे, अभी कृष्ण तो छोटे बच्चे, बच्चों का स्वभाव देखना, जो देखे वही पूछे। इतने में आ रहे थे, देखा बड़ा सुंदर कुहू, बोले मैया मैया ये कौन सा चिड़िया इतना सुंदर बोली बोलता है। बोले लाला ये कोयल है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख कितने, देखो मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें दाढ़ी। बोले लाला इसका नाम बरगद का पेड़,
बोले भैया भैया देखो ये कौन सा पेड़, सारे पत्ते हिल रहा है। बोले लाला ये पीपल पेड़ है। बोले भैया भैया देख कितना सुंदर चिड़िया है, सारा शरीर में चित्रकारी। भैया ये चिड़िया का नाम क्या? बोले लाला इसका नाम मोर है। बोले भैया एक का तो पूछ है और एक का पूछ नहीं, ये क्या है, एक दूसरों को क्या लगे? बोले जो पूछ वाला है ना ये पुरुष है और जो बिना पूछ वाले ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे है? बोले जो बिना पूछ वाली है ना है, कहते जो बिना पूछ वाली, ये जो पूछ वाली इसकी बहू लगती है। और थोड़ी देर गए, बोले मैया 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 देख कितने सुंदर चित्रकारी जानवर में। बोले मैया ये जानवर कौन सा? बोले इसका नाम हिरण लाला। बोले मैया एक का तो सींग दूसरा का सींग नहीं। बोले मैया ये क्या है? बोले जिसका सींग है ना ये पुरुष है और जिसका सींग नहीं स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे? बोले जो बिना सींग वाले और सींग वाले किसकी बहू लगती है? बोले मैया सबकी बहू मेरी बहू कहाँ है? इसलिए मैया मेरे ताई भी एक बहू ले आए। मैया बोले लाला कोई चिंता मत करो, वृंदावन चलो, तेरे ताई भी एक सुंदर बहू ला दूंगी, है एक बहू ला दूंगी। इसलिए करते 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 कहाँ पर आए? यहीं पर आए, छठीकरा पर आए। और यहीं पर ही संकटों का अर्ध चंद्र रूप में करके प्रभु यहीं पर रहे। यहीं पर रहते समय कृष्ण यहीं पर उन्होंने बछड़ा चराना उन्होंने शुरू किया था। जब बछड़ा चराना शुरू किया, अभी सखाओं को साथ में जो बछड़ा चराएंगे उन्होंने मचले गए। एक दिन कृष्ण बलराम ने बोले बाबा बाबा आप तो वृद्ध हो गए हैं, अब अभी हम जवान हो गए, ज्यादा उम्र नहीं कृष्ण की, ज्यादा उम्र नहीं, कितना साल, तीन चार, चार महीना में आए समझो, चार ही साल में कृष्ण मचल रहे हैं, हम गैया चरवाएंगे। चार महीना का बच्चा कितना बड़ा होता है बताओ, छोटे से होते हैं। लेकिन कृष्ण एक तो भगवान, फिर कृष्ण मक्खन दूध दही, देखना जो बड़े पैसा वाले के बच्चे होते हैं ना वो कम उम्र में खा पी करके ना बड़े लंबे चौड़े दिखते हैं, दिखते हैं ना, और मक्खन दूध दही खाते हैं। इसलिए कृष्ण बलराम एकदम बड़े सुंदर दिखते थे, जैसे तीन साल में छह साल, छह साल में नौ साल ऐसे दिखते थे। बोले पिताजी पिताजी आप वृद्ध हो गए हो, अभी आप घर में रहो, भजन पूजा पाठ करो, आपके बच्चे रहते हुए आप बड़े हो गए, आपके सब काम करने का क्या जरूरत हो, आप घर में बैठ कर सेवा पूजा ठाकुर की, रामायण पढ़ो, भागवत रामायण पढ़ो और ग्रंथ पढ़ो, हम बच्चे बड़े हो गए गैया चरवाएंगे। अब ये बताओ अगर कोई छोटे बच्चे अगर कोई वृद्ध पिता माता को ये बोले, बताओ पिता माता के हृदय क्या होगा? बोलो क्या होगा? हृदय एकदम फूल जाएगी, छाती चौड़ी हो जाएगी, देखो मेरे लाला कितने अच्छे हैं, हैं लाला कितने अच्छे हैं। इसको सुन करके ना नंद बाबा का हृदय एकदम एकदम छाती चौड़ी हो गई, मेरे लाला कितने अच्छे हैं। कहते पिता माता भजन कर हम गैया चरवाएंगे। नंद बाबा बोले लाला तुमको गैया भैया चराने का जरूरत नहीं, हमारे घर में बहुत सारे दास दासियां हैं, ये सब कर देंगे, तुम घर में रहो खेलो। बोले नहीं बाबा हम ग्वाला है, इसलिए हमारा कर्तव्य है गैया सेवा करना, हमारा कर्तव्य, हम जाएंगे। इतने मचल गए, इतने मचल गए, इतने में नंद बाबा को मजबूर कर दिया। नंद बाबा ने बोले एक काम करियो, तुमको गैया चराने का जरूरत नहीं, पहले तुम बछड़े को लेकर जाओ आसपास में खेल कूद कर आ जाना हैं, लेकिन कोई शुभ मुहूर्त निकालनी चाहिए, सांडिल ऋषि को बुलाए, बोले कोई शुभ मुहूर्त निकालो। फिर उन्होंने जो कार्तिक के महीना, कार्तिक महीना में जो गोपाष्टमी है, उन्होंने गोपाष्टमी का समय पर अच्छो दिन है, इसी दिन जानी चाहिए। घर घर में प्रभु गए, घर घर में मालपुआ खीर खिलवाए। अभी मैया जसोदा कह रहे बोले लाला तू जब चले जाओगे है बछड़े चराने के लिए, मैं किसको देख करके जीवन धारण करूंगी, क्योंकि तुम मेरे प्राण हो, तेरे को देखे बगैर मैं कैसे सहन करूंगी। कृष्ण ने कहा मैया कोई चिंता मत करो, कहते मैं जब बाहर खेलने के लिए जाता हूँ फिर तू कैसे जीवन धारण करती हो? बोले जब खेलने जाती ना फिर ना बच्चे लोग बड़े जोर से किलकारी मारते हुए खेलते हैं। बोले तुम जब किलकारी मारते हो ना घर में रह करके, तुम्हारी किलकारी सुन करके मैं घर में खुश होता हूँ, मेरे लाला पास में है। बोले मैया कोई चिंता मत करो, मैं भले ही जितने दूर से क्यों नहीं जाऊं इतने जोर से किलकारी मारते रहूंगा, तुम घर में बैठी बैठी कर मेरी किलकारी की तो सुनते रहोगी ना, सुनते रहोगी। इसलिए मैया जसोदा कृष्ण बलराम को सवेरे सवेरे स्नान करा के, स्वस्ति वाचना करा के, अपना हाथों से दोनों लाला को उनने श्रृंगार करवाए। और जब जा रहे थे मैया छोड़ने के लिए तैयारी नहीं, थोड़ी दूर जाए कृष्ण, फिर जाकर कृष्ण को फिर गोद में भर लेती है, थोड़ी दूर जाए फिर मैया जसोदा गोद में भर लेती है, छोड़ने के लिए तैयारी नहीं।
नंद बाबा सांडिल्य ऋषि कह रहे हैं बोले टाइम बीत जा रहे हैं, सुबह में तो बीत जा रही है, अभी जल्दी जल्दी छोड़ पड़े, जैसे मानो शरीर से प्राण निकल जा रहे हैं, यही से उन्होंने छोड़े। इसलिए कृष्णा यहीं पर जब सखाओं को साथ में, ग्वाल बाल को साथ में यहीं पर आए, एक दिन कृष्णा खेलते खेलते इतने में कृष्णा सखाओं को बोले, बोले बताओ तो मैं कौन हूँ, बोले तुम मक्खन चोर, तुम मक्खन चोर नंद के लाला मैया जसोदा का दुलाला, बोले तुम लोग को ग्वाला, तुम लोग मेरे को क्या जानते हो, अरे मैं भगवान हूँ सत्य युग में वही नारायण जिनकी नाभि कमल से कौन निकला, स्वयं ब्रह्मा जी निकले, मैं वही भगवान हूँ, जदा जदाई धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजामि, मैं ही युग युग में मत्स्य रूप में मैंने वेद उदाहरण की, मैंने कुर्मा अवतार में पृथ्वी को धारण किया, वराह अवतार में पृथ्वी को उत्तोलन किया, नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को वध किया, ले तू टी झाँकना तेरा स्वभाव है, ये अमुक अमुक कभी तेरे साथ में खेलते खेलते तेरे को हम पछाड़ देते हैं, आई ये सब बड़े पावन टी बड़े टी झाँकते हो तो भगवान भगवान। इतने में जब बोल रहे थे कृष्ण ने कहा देखोगे, बोले क्या दिखाओगे, सखाओं को पता ही कभी कभी कुछ कुछ चमत्कार दिखा देता है, लगता है कुछ जादू टोना जानता है, इसलिए क्या दिखाओगे। इतने में कृष्ण स्वयं यहाँ पर उन्होंने बार भुज को लेकर प्रकट हुई, जब बार भुज लेकर प्रकट हो गए, ये जो आप लोगों ने विग्रह देखा है ना, इसको हमारे बजरनाभ ने स्थापन किया, ये कपड़े जब ठाकुर का स्नान कराते कपड़ा खोल करके ठाकुर का स्नान कराते, देखोगे उनके आप बार हाथ है, है? तो बार हाथ में हर हाथ में उनकी अस्त्र है। इतने में वहां पर श्रीदाम था, श्रीदाम ने क्या किया, झट उसने गरुड़ रूप धारण कर लिया, जब गरुड़ रूप धारण किया भगवान कृष्ण उनकी पीठ पर बैठे, जब बैठे उन्होंने यहीं पर उनको घुमाया था, इसलिए ये ठाकुर जी का नाम पड़ गया गरुड़ गोविंद नाम पड़ गया। यहाँ पर बजरनाभ परवर्ती समय में जब धीरे धीरे सबके सब अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने श्री परीक्षित महाराज जो मिलने के लिए आए, सांडिल्य ऋषि को बुलाया और सांडिल्य ऋषि को लेकर के उन्होंने सर्वत्र उन्होंने गए, कृष्ण जहाँ जहाँ पर लीला की थी, कहीं पर कुंड स्थापन कर दिया, कहीं विग्रह, कहीं चरण चिन्ह, ऐसे ऐसे उन्होंने, भविष्य में जो लोग हम जैसे लोग आएंगे इनको पता कैसे चलेगा भगवान यहाँ पर ये लीला की है, इसलिए उन्होंने स्मृति के लिए उन्होंने ये विग्रह को यहीं पर स्थापन किया। लेकिन परवर्ती समय में आपको पता होगा औरंगजेब आक्रमण करने पर यहाँ के जो पुजारी थे ये विग्रह को लेकर जो कुंड था ना ये कुंड में छोड़ कर चले गए, क्यों, वो सब विग्रह को तोड़ फोड़ देते थे। लेकिन परवर्ती समय में कोई एक संत आए भजन करने वाले, जब संत आए उनको स्वप्न दिया, मेरे सेवक लोग मेरे को इसी कुंड में छोड़ कर गए, ये कुंड से मेरे को प्रकट करो, फिर उन्होंने गांव वासियों को बुला करके यहाँ से ठाकुर को प्रकट किया, फिर उन्होंने इसी मंदिर में स्थापन किया है, इसलिए ठाकुर का नाम पड़ गया गरुड़ गोविंद। ये जो गरुड़ है हर विष्णु मंदिर में देखना गरुड़ है, इसलिए नियम है जब हम ठाकुर का दर्शन करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु पुरी में जब गए उन्होंने गरुड़ को पीछे रह कर दर्शन करते थे, नियम है गरुड़ को पीछे रह कर दर्शन करने चाहिए, बोले क्यों, बोले जब गरुड़ है ये भगवान की वाहन है, भगवान की वाहन है, और जब तक किसी भक्तों की अनुगत्य हम नहीं करते हैं ना तब तक ठाकुर का दर्शन नहीं मिलता है, इसलिए पहले गरुड़ उसके बाद में गोविंद, सीता राम लक्ष्मी नारायण राधे श्याम और गरुड़ गोविंद है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ठाकुर जी का दर्शन किया और ठाकुर जी का चरण में इसे आद लक्ष्मी सरस्वती पास में चादरी की सत्य भवना कौन है, इसे ठाकुर जी यहाँ पर ये बजरनाभ ने इस सबके सब स्थापन कर गए, इसलिए जिसका अभी हम लोग दर्शन करते हैं, ठीक है, बोले श्री गरुड़ गोविंद भगवान।